हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको जो वॉल पीस बताने वाले हैं उसके लिए लगेगा थर्माकोल। तो थर्माकोल की पूरी फुल शीट लें, उसको इक्वल हाफ कर लें इस तरह से, यानी जो एक साइड है उसका जितना आएगा दूसरा साइड भी उसका उतना ही आना चाहिए, क्योंकि हम इसे कॉर्नर वाला बनाने वाले हैं। तो ये एक इंच वाली शीट लेंगे हम, आधा इंच वाली लेंगे, और ये एक पतली शीट और लेंगे, तो ये 1/4 इंच आएगा इस तरह से। दो शीट लें, इसमें लगा है फेविकिल का कैमल का क्रिम्सन रेड 062 नंबर का, कैमल का 233 नंबर का लीफ ग्रीन, एंड सेप ग्रीन है ये 391 नंबर का, गोल्डन येलो ये है 173 नंबर का, एंड मरून कलर है ये डार्क रेड, ये फेविकिल का है, ये है 14 नंबर का। इसमें लगेगा फेविकॉल, एंड ये है ग्लिटर नॉन स्टिकी 3D आउटलाइनर गोल्डन वाला, ब्रश राउंड ब्रश लीजिए 6 नंबर का, पेन, टेप, ब्लेड लें इस तरह का, या आप कटर से भी यूज़ कर सकते हैं। कटर से कटिंग करके हमने फ्लावर बनाए हैं तो हम ब्लेड से कटिंग करते हैं। ब्लेड को इस तरह से लें और उसके 2 पीस कर लें इस तरह, और इसे कैंची से इस तरह से क्रॉस पोजीशन में इसकी कटिंग कर लें, तो ये इससे इजी पड़ता है काटने में। एंड प्लास्टिक लगेगा, प्लास्टिक से हमने कोण बना के इस गोल्डन ग्लिटर को इसमें ट्रांसफ़र करके इसकी आउटलाइन की है। इस तरह के ये सितारे हैं, झिलमिल सितारे भी बोलते हैं इन्हें, ये लगेंगे इस तरह के। 2 पीस लीजिए शो पीस, और ये सितारे हैं ट्रांसपेरेंट, ये लें। इस तरह के कुंदन लगेंगे डेकोरेशन के लिए, ये सिल्वर वाले हैं, ये चिपकाने वाले आते हैं, ये लगेंगे। वॉल पीस को पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम इस तरह कोण बनाएंगे। रेक्टेंगल आकार का प्लास्टिक लें, उसे इस तरह फोल्ड करें और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएं। यहाँ इसे पकड़ लें, फिर इसे इस तरह ये वाले हाथ को हल्का छोड़ दें और ये वाले हाथ को पूरा फोल्ड करते जाएं इस तरह से, तो ये कोण बनता जाएगा। लास्ट में बनने के बाद में ये खुला पोर्शन ऊपर लेंगे हम और इसमें टेप लगा देंगे। थोड़ा कॉर्नर से, नोक से थोड़ा ऊपर लेंगे और इसे टेप लगा के रेडी कर लेंगे। इसके बाद इसका ग्लू इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे 3D आउटलाइनर ग्लिटर वाला। ये भरने के बाद में हम इसके नोक कटिंग करके और डेकोरेशन करेंगे उसको। थर्माकोल के फ्लावर काटने से पहले हमें पेपर के फ्लावर काटना पड़ेंगे, तो A4 साइज़ का एक पेपर लें इतना बड़ा, उसे 2 फोल्ड कर लें, बीच में से कट कर लें उसे। इस तरह कट करने के बाद में ये जो एक पोर्शन है उसको इस तरह फोल्ड करेंगे, तो जितना ये वाला पोर्शन है इस तरह स्क्वायर में इसे निकाल लें, इस तरह इसे क्रॉस में फोल्ड करें, फिर और फोल्ड करें इसे एक बार। अब ये वाले पोर्शन को बीच में लाएं और इस वाले को भी बीच में लेकर आएं, इक्वल होना चाहिए ये। फिर इन्हें इस तरह से कर लें, यानी ये पैक वाला पोर्शन इस तरह आना चाहिए, खुला वाला इस तरह। फिर इसमें हम निशान लगा लें या तो, और इसकी कटिंग कर लें। इस तरह का ये फ्रेम तैयार कर लें। पत्तियाँ काटने के लिए हम इसे फोल्ड करेंगे जो हाफ वाला पेपर है, और इसमें भी इसे स्क्वायर पेपर निकाल लेंगे, इसमें ड्राइंग करेंगे हम। तो ये यहाँ से कॉर्नर से
अंदर वाले पोर्शन में आना चाहिए। इसे हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह पत्ती का शेप काट लें। एक दूसरी टाइप की पत्ती भी बनती है जिसमें जो हमने ऐड किया है, तो ये इस तरह से लेकर ये ड्राइंग बनाएं और इसकी कटिंग कर लें। इस तरह ये तैयार करने के बाद में हम थर्माकोल पे, जो 1/4 वाला थर्माकोल है पतला वाला, तो उसके ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसकी ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसे एडजस्ट करके ड्राइंग करें, जैसे एक फ्लावर हमने यहाँ बना लिया और दूसरा वाला इसी के साइड में बनाएं, यानी यहाँ इधर उधर ना बनाएं ताकि वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद में इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लें, एक के बाद एक ये ड्रॉ कर लें। तो ये 6 फ्लावर हमें ये 6 काटना है, ये पत्तियाँ 5 लगेगी, ये 4 लगेगी और इसी की कली बनाना है हमें। तो ये इतना पोर्शन के इस तरह से इसकी ड्राइंग करके ये 3 या 4 कली काट लें। कटिंग करने के लिए इस तरह से इसे उठा के रखें और ब्लेड को इस तरह डालकर ये इस तरह थोड़ा सा आगे पीछे करें तो ये अच्छा इक्वल कटता है। ये ब्लेड को इस तरह खींचना नहीं है, यानी ऐसा खींचना नहीं है, ऐसा मूवमेंट देना है इसको, तो फिर ये अच्छा कटेगा। प्लेन साइड कटती है इसकी। इस तरह कटिंग करके पूरा रेडी कर लें फ्लावर्स एंड पत्तियाँ। इस तरह ये 1/4 वाली ड्राइंग थर्माकोल शीट पर हम
दो इंच का गैप देके पूरा पट्टा बना लेंगे। फिर उसमें हम यहाँ पर वेलकम लिखेंगे, इस तरह गैप दे दे के पूरा अल्फाबेट्स लिख लें वेलकम का। लिखने के बाद में हम इसे, ये है कैमल का 363 नंबर का पर्ल कलर है ये टर्कोइश, एंड 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लें। इस तरह से इसे पेंट करके रेडी कर लें। जो इसका ब्रश का ये वाला पॉइंट है तो ये लाइन पर आना चाहिए, तो फिर ये इक्वल बनेगा। इस तरह इसे पेंट करने के बाद में, ड्राई होने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसे जो हमने वॉल पीस बनाया है उसके ऊपर अरेंज करेंगे। हमने इस तरह ये थर्माकोल से बनाया है, आप इसे स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर कोई दूसरा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।